हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी ये वीडियो हमारा वीडियो 3 है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक क्या आपका चैप्टर में पढ़े थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें पढ़े थे हम लोग क्या इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े थे। इंडिकेटर्स क्या होता है आपको, जो भी आपको एसिड और बेस को बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है बेस है, तो उसको हम बोलते हैं क्या इंडिकेटर। तो 3 इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे हम लोग, लिटमस पेपर के बारे में पढ़े थे, फिर आपको लिटमस पेपर हो गया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, और पेंथिलीन, इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कुछ नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे कि आपको टर्मेरिक पार्ट और पाउडर, ये टर्मेरिक पाउडर हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया आपको ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर हो गया, इसके बारे में लोग पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ रहे थे अभी क्या एसिड के बारे में, एसिड क्या होता है, एसिड के बारे में पढ़े थे क्या एसिड कितने टाइप का होता है। तो एसिड जो होता है आपको ओरिजिनेशन के हिसाब से एसिड 2 टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एक हो गया इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड होता है आपको। और उसके बाद जो होता है हम लोग पढ़े थे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद डायल्यूटेड एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और साथ में पढ़े थे हम लोग क्या कि एसिड को जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो ड्रॉप वाइज किया जाता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। जब एसिड में वाटर डिजॉल्व करेंगे तो वाटर में एसिड डिजॉल्व करें तो एक्सोथर्मिक नेचर का होगा और उस कारण हीट डेवलप करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एसिड के प्रॉपर्टी पे हम लोग पढ़ रहे थे। ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम लोग पढ़ रहे थे क्या पहला एसिड जो सावर टेस्ट होता है डिफरेंट पेपर्स पे ब्लू से रेड हो जाता है। और उसके बाद एसिड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पांचवा प्रॉपर्टी में कि मेटल और कार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्ट करेगा, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करेगा। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे और साथ में बोले थे क्या ये बोले थे इसके बारे में पढ़ के आने के लिए कि बहुत VVI इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो अगेन ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर क्या होता है आपका ये कलरलेस लिक्विड बन जाता है आपको, ठीक है। तो ये बात हो गया, तो ये 3 आपके एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना। तो पिछले क्लास में यहाँ तक हुआ था, आइए अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रॉपर्टी एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या होता है, तो देखिए एसिड जो होता है अगर रिएक्ट करता है बेस के साथ में तो क्या होता है, ये आज का टॉपिक हमारा है एसिड रिएक्ट विथ बेस तो क्या होता है आपको। तो ध्यान रखिए कोई भी एसिड अगर बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है आपको सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। अगर कोई भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, और इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और ये जो आपको बनता है न्यू सॉल्यूशन वो आपका नहीं उसका एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। फॉर एग्जांपल NaOH ये आपका बेस है, ये रिएक्ट करता है आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। NaOH आपको बेस हो गया, ये बेस है और ये करता है आपको एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा तो आप जानते हैं कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा,
ठीक है, तो क्या करेगा आपको, ये इसका ओएच और इसका एच कंबाइंड होके बन रहा है क्या, एन ए और सी एल आपस में कंबाइंड हो जाएगा एन ए सी एल, और साथ में क्या कर देगा आपको एन ए सी एल और साथ में वाटर कंबाइंड होगा। देखिए यहाँ पर जब इस सेपरेट होगा तो एन ए प्लस हो जाएगा, ओ एच माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एच प्लस हो जाएगा, सी एल माइनस हो जाएगा, इसका ये जो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा और बन जाएगा कि आपको वाटर एच टू ओ, और ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन आपस में कंबाइंड होकर के ये पॉजिटिव निगेटिव आयन फॉर्म कर देगा क्या, ये दोनों मिल करके फॉर्म कर देगा आपको क्या एन ए सी एल फॉर्म कर देगा, ठीक है, और ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी अगर एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो याद रखिएगा सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, और इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि ये आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, कि हम ये बात कैसे माने, हाउ हम ये बात कैसे माने कि एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो आपको एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, इस बात को हम कैसे माने, आखिर इसका कुछ तो प्रूफ होगा ना कि एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। देखिए उसके लिए टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ पेनिसिलिन इंडिकेटर, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, हम ये बोले कि आखिर एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है तो उसका कुछ एग्जांपल होगा ना, तो एक बीकर ले लेते हैं, ये आपका बीकर है, इसके अंदर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसके अंदर में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच वाटर इसमें भरा हुआ है, इस वाटर में एन ए ओ एच मिला दिए, तो ये एन ए ओ एच मिला दिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलिन इंडिकेटर वो इसके अंदर में हम डालेंगे। तो आप जानते हैं पेनिसिलिन इंडिकेटर के बारे में, इसका कलर क्या होता है, शुरुआत में कलरलेस इसका होता है, इसका कलर पेनिसिलिन का कलर क्या होता है आपका इंडिकेटर है, आप पढ़े थे हम जब फर्स्ट क्लास में पढ़ाते पेनिसिलिन के बारे में, पेनिसिलिन इंडिकेटर है उसका कलर कलरलेस होता है, अगर पेनिसिलिन को हम लोग बेस में डालते हैं उसका कलर हो जाता है पिंक, जबकि एसिड में उसका कोई भी कलर नहीं रहता है, तो ये आपको हो गया। अब हम देखिए शुरुआत में हम इसमें ये जो सॉल्यूशन है इसमें NaOH डाले सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का कलर भी क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। अब जैसे ही इसमें हम पेनिसिलिन इसमें डालें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पिंक कलर का हो जाएगा। आखिर ये पिंक कलर का क्यों हो जाएगा आपका, पिंक कलर का इसलिए हो जाएगा कि NaOH आपका बेस होता है, और हम जानते हैं कि बेस में अगर हम डाल देंगे कि आपका पेनिसिलिन डालें तो उसका कलर हो जाएगा पिंक, इस सॉल्यूशन का कलर हो गया पिंक। इस सॉल्यूशन में क्या क्या मिला हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसके साथ पेनिसिलिन मिला हुआ है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये बेस है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर यूज करेंगे, इस ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज इसके अंदर में हम क्या डालेंगे आपको, इसके अंदर में क्या भरा हुआ आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ हम ड्रॉप वाइज इसके अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, ड्रॉपर जैसे जैसे इसके ड्रॉपर इसके अंदर मिक्स होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे वैसे इसका कलर क्या होता जाएगा आपका, पिंक से इसका कलर कलरलेस होता जाएगा, और कुछ समय के बाद फिर से ये क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, आफ्टर सम टाइम इस ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर फिर से क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा। क्यों, कैसे कलरलेस हो गया, ये सॉल्यूशन शुरुआत में कलरलेस था, ध्यान सुनिएगा, ये सॉल्यूशन शुरुआत में कलरलेस था, इसमें हम डाल दिए पेनिसिलिन डाल दिए तो इसका कलर हो गया पिंक, क्योंकि ये यहाँ इसके अंदर बेस था, बेस में अगर हम पेनिसिलिन मिलाते तो उसका कलर पिंक हो जाता है, पिंक हो गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, अगेन हम क्या किए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले तो फिर इसका कलर क्या हो गया, कलरलेस, पिंक से इसका कलर कलरलेस हो गया। क्यों हो गया भाई, पिंक से इसका कलर आखिर कलरलेस क्यों हो गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि ये सॉल्यूशन जो होता है जैसे ही इसमें हम एसिड डालें तो एसिड एसिड जो होता है
बेस के साथ में रिएक्ट कर दिया और इसको बना दिए क्या आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दिया। न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी ये सॉल्यूशन ना ही एसिडिक रहा और ना ही बेसिक रहा। तो आप जानते हैं क्या पेरिथिलीन किस में पिंक करता है, पेरिथिलीन का कुल का कलर कलरलेस होता है, अगर उसको बेस मिलेगा तभी ना उसका कलर पिंक रहेगा। तो आप बेस को तो आप खत्म कर दिए, एसिड इसमें डालें तो बेसिक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का खत्म हो गया, ये एक सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया है। तो इसलिए पेरिथिलीन का कलर फिर से क्या बन जाता है आपका कलरलेस हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ पाए कि आपको जो होता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि इस बेस को यहाँ देख रहे हैं आप, बेस को एसिड डालने पे क्या करता है, इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दे रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट है टॉपिक आपको 6। अब अगला जो है यहाँ पे नेक्स्ट है आपको 7। सेवन प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड तो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। तो सिंपली बात है, देखिए एसिड मेटल ऑक्साइड किसे बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड जिसमें मेटल हो और साथ में ऑक्सीजन हो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे कि CuO, Cu आपको मेटल है, O क्या ऑक्साइड है, ये पूरा कहलाएगा क्या आपका मेटल ऑक्साइड। एक बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड, अब इसका जरूरत नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है जैसे कि आप फॉर एग्जांपल CO, CO क्या आपको नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। पहले ये बात आप रट लीजिए कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जो होता है हमेशा, कोई भी मेटल ऑक्साइड, या आगे जब मेटल नॉन मेटल पढ़िएगा तो आपको समझाएंगे कि फिलहाल याद कर लीजिए कोई भी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नॉन मेटल मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर। तो अब हमारा टॉपिक है क्या एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे क्या मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड तो क्या प्रोडक्ट होना चाहिए आप बताइए। तो अभी हम बता चुके हैं मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये आपका बेसिक नेचर का होता है। तो जब बेस से आपको एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ऊपर हम जस्ट पढ़े हैं सॉल्ट प्लस वाटर, अभी ऊपर पढ़े हैं ना कि एसिड बेस से रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो मेटल ऑक्साइड भी क्या है आपका एसिड बेस है आपको, तो बेस के साथ में एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। तो ऊपर वाले के रिएक्शन की तरफ यहाँ भी सेम चीज होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल CuO प्लस HCl, CuO प्लस HCl क्या बनेगा आपको देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा Cu जो होता है ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा और ये Cl जो होता है हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ये दोनों कंबाइन करके वाटर फॉर्म करेगा और CuCl आपस में कंबाइन हो जाएगा CuCl2 और प्लस H2O फॉर्म करेगा। प्रोडक्ट आप लोग खुद से लिखना सीख सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं कि आपको Cu है ये हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ठीक है, Cu पे प्लस आयन और इस पे माइनस आयन, इस पे प्लस आयन इस पे माइनस आयन, तो इसमें क्या हो रहा है आयंस का इंटरचेंज हो रहा है, Cu का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइंड, ये इसके साथ कंबाइंड होगा, ये इसके साथ कंबाइंड होगा और CuCl2 बनेगा। क्यों बना CuCl, Cl का वैलेंसी 1 होता है, Cu का वैलेंसी 2 होता है, दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे तो Cu और Cl 2 होगा, इसलिए इसका CuCl 2 हो गया। ये सब 9th क्लास में पढ़े थे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आइए अब 8वां और लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एसिड के बारे में,
एट प्रॉपर्टी एसिड हैव कोर्सिव नेचर. एसिड हैव कोर्सिव नेचर, इसका मतलब क्या होता है? एसिड हैव कोर्सिव नेचर, इसका मतलब होता है कि एसिड जो होता है मिनरल एसिड, कौन से एसिड का बात कर रहे हैं? कोर्सिव नेचर किसका होता है? सिर्फ मिनरल एसिड का होता है. ऑर्गेनिक एसिड तो हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है. तो ये मिनरल मिनरल एसिड के बारे में बात कर रहे हैं. मिनरल एसिड के पास, कोई भी एसिड के पास कोरोसिव नेचर होता है, लेकिन मिनरल एसिड के पास में हाई कोरोसिव नेचर होता है. तो मिनरल एसिड जो होता है, अगर हम किसी भी कंटेनर में किसी भी चीज में डालते हैं, तो उसको क्या करता है कि उसके लेयर को, आउटर लेयर को, वो जो होता है आपको इटेन इटेन बाई एट मतलब खाना शुरू कर देता है. इटेन है, ठीक है ना? ये इसको देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये लोहे के बर्तन में, ये मोटा सा लोहा का बर्तन है, इसमें मैं सीड भर दिए. कुछ समय के बाद आप देखिएगा इस लोहे के बर्तन का मोटाई जो होता है कम होना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे करके गल के खत्म हो जाए. क्यों? क्योंकि एसिड जो होता है इसके साथ में रिएक्ट करके इसके लेयर को हटाना शुरू कर देता है, और इसके जो होता है जो भी आपको चीज रहता है इसमें एसिड हम रखते हैं उसको वो खत्म कर देता है, इटेन अप कर देता है. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे हाथ में कहीं पे एसिड गिर गया, मिनरल एसिड गिर गया, तो क्या करेगा? वो हाथ को जला देगा पूरा. जैसे कि आप फिगर बुक में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस हैंड पे एसिड गिरा हुआ है, तो क्या हो रहा है आपको? ये जो होता है एसिड गिर रहा, तो इसको पूरे एरिया को ये क्या कर दिया आपको, इसके बीच में गैप कर दिया. गैप क्यों कर दिया? क्योंकि इस एरिया को ये क्या करता है, खा जाता है, इटेन अप कर देता है. जैसे देखिए ये मटेरियल आपको यहाँ पे डाला, इसके बीच में गैप कर दिया आपको, ये हैंड पे डाले तो इतना दूर का एरिया साफ कर दिया. तो ये चीज होता है, यानी एसिड के पास में कोरोसिव नेचर होता है. कोरोसिव नेचर का मतलब होता है, देखिए द मिनरल एसिड कॉज द सेवरल बर्न ऑन द स्किन, अटैक एंड इटेन अप मटेरियल लाइक द क्लॉथ, वुड, मेटल्स स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, सो दे आर द सेड टू बी कोरोसिव. ये कोरोसिव नेचर का होता है कि जिसके ऊपर में एसिड पड़ता है उसको वो इटेन अप करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए कोरोसिव नेचर का होता है. एसिड का सेकेंड ये लास्ट प्रॉपर्टी हो गया कि ये क्या है, कोरोसिव नेचर का होता है. और सिर्फ एसिड ही नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस भी कोरोसिव नेचर का होता है. देखिए द स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड यू ऑल्सो वेरी कोरोसिव एंड अटैक ऑफ डिस्ट्रॉय आवर स्किन. ये भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे हाथ के ऊपर बनता गिर जाता है तो यही हाल आपको बेस भी करता है. स्ट्रॉन्ग बेस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों ही कोरोसिव नेचर का होता है. ठीक है, तो अभी हमारा एसिड का सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया है. अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए नेक्स्ट आपको टर्म पूछ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट बुक में आपको टॉपिक है, उसका नाम है क्या? देखिए नेक्स्ट बुक में जो टॉपिक है उसमें बोल रहा है क्या, व्हाट डू ऑल एसिड हैव कॉमन, सारे एसिड से बात कॉमन क्या होता है. तो देखिए समझ ध्यान सुनिए, जितने भी एसिड्स के पास में, सारे जितने भी एसिड हम देखते हैं सबके पास में कॉमन बिहेवियर क्या होता है. ठीक है, सारे एसिड्स के बाद में कॉमन बिहेवियर क्या होता है. देखिए जितना भी एसिड है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही मान के चलते हैं, तो जितने भी एसिड है सबके पास कॉमन प्रॉपर्टी क्या, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके चलते हैं, तो जितने भी एसिड है सबके कॉमन प्रॉपर्टी होता है कि जब इसको हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो H+ आयन आपको रिलीज करता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये H+ आयन अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर के H3O+ फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. हाइड्रोनियम H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. तो ये जितने भी एसिड है सभी कॉमन प्रॉपर्टी होता है. जितना भी एसिड है सबको अगर हम वाटर के अंदर डिजॉल्व कराते हैं तो वो क्या करता है आपको H+ आयन रिलीज करता है, और ये H+ आयन वाटर के साथ में कंबाइन होकर के H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है. ठीक
ठीक है, ये सारे एसिड के साथ में ये सेम प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप मान के चलिए और कोई एसिड लेते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी वाटर के साथ डिजॉल्व कराएंगे तो एच प्लस दो हाइड्रोजन आयन निकालेगा और एसओ फोर माइनस टू, और ये एच दोनों एच प्लस वाटर के साथ कंबाइन होकर के सेम चीज बनाएगा। जैसे कि एच एन ओ थ्री, ये भी आपको होगा एच प्लस और एन ओ थ्री माइनस आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और एच प्लस ये रूप में आपको हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा। तो जितना भी एसिड है सबके पास यही कॉमन प्रॉपर्टी होता है कि वो सब वाटर के साथ में डिजॉल्व करके आपको एच प्लस आयन रिलीज करता है। अब एच थ्री ओ प्लस, इसको आप आर कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच प्लस एक्वस। एच प्लस एक्वस का मतलब होता है एच प्लस और एक्वस का मतलब होता है वाटर, एच टू ओ। एच आप इसको ऐसे ना लिख करके, आप चाहिएगा बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखता है एच प्लस ए क्यू लिख देता है। ए क्यू मतलब क्या हो गया, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, वैसा कोई भी चीज जो वाटर के साथ में डिजॉल्व होता है उसको बोलते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वैसा कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर के साथ डिजॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन। एच प्लस वाटर के साथ कंबाइन है ना एच प्लस, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हम एच ए प्लस ए क्यू लिख देते हैं। मतलब इसका मतलब होता है एच प्लस एच टू ओ और इसका मतलब होता है क्या, एच थ्री ओ प्लस। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव, व्हाट डू ऑल एसिड हैव कॉमन, तो आप बोलिएगा कि जितना भी एसिड सब में यही कॉमन है कि जब भी उसको वाटर के साथ डिजॉल्व कराया जाएगा तो वो एच प्लस आयन रिलीज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टू शो दैट ऑल द कंपाउंड, ये एग्जाम में पूछता है जो भी हम बता रहे टॉपिक, ये वाला अभी जो लिख रहे इसके बारे में, कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्या जितने भी कंपाउंड है अगर जिसके पास में हाइड्रोजन एटम होगा तो क्या वो एसिड होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हम लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला होता है आपको C6H12O6। ठीक है, अल्कोहल जैसे कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हैं क्या, देखिए ये दोनों है आपका, ये दोनों के पास में हाइड्रोजन एटम तो है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 को हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में टोटल आपको हाइड्रोजन 12 है, इस कंपाउंड में टोटल हाइड्रोजन संख्या क्या है आपका 5 है। ठीक है ना, तो क्या ये दोनों एसिड है, यानी क्वेश्चन ये है कि जितना भी आपको हाइड्रोजन, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन एटम पाया जाता है क्या वो एसिड होता है, तो आंसर है नो, ये दोनों एसिड आपको नहीं है, इसमें हाइड्रोजन एटम पाने के बाद भी ये एसिड नहीं है। यानी एक बात याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड अगर वो हाइड्रोजन एटम कॉन्टेन करता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको एसिड है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज के पास में 12 को हाइड्रोजन एटम होता है फिर भी वो एसिड आपको नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल, इसके पास में टोटल आपको जो होता है 5 + 1 = 6 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन फिर भी यह आपको जो होता है आपको एसिड नहीं है। एक बात ध्यान रखना है कि जितना भी एटम जो हाइड्रोजन एटम कॉन्टेन करता है वो जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। ठीक है ना, तो इसके पीछे क्या प्रूफ है, यहाँ देखिए बुक से समझा देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया, फिगर बनाए तो समय लगेगा। ये देखिए दो बीकर है, ठीक है,
हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए आपको, या तो उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या उसके पास आयन होना चाहिए, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है उस हम पढ़ाएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, या फिर आयन होना चाहिए एच प्लस ओ एच माइनस आयन, ये सब आयन होना चाहिए तब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है, ठीक है। इस तरह ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए किसी भी चीज़ से या तो उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर आयन होना चाहिए। तो हम लेते हैं क्या, एक वाटर लेते हैं, ये वाटर, ये दो नेल है आपको, यहाँ बल्ब लगा दिए, ठीक है, ये वाटर इसमें भर दिए। अब क्या होगा कि ये देखिए यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट होते हुए यहाँ से यहाँ आएगा, इस रॉड के पास आएगा। अगर ये जो वाटर इसके अंदर भरा हुआ है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता होगा तो करंट यहाँ से यहाँ जा पाएगा, अगर ये वाटर भरा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता होगा तो यहाँ से यहाँ करंट नहीं जा पाएगा, ठीक है। इस वाटर में हम क्या डालते हैं, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास में हाइड्रोजन एटम पाया जाता है और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इलेक्ट्रिसिटी इससे कंडक्ट करेगा। तो आप बोलिएगा सर इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे किया, इसका ये रीजन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, जब इसको वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा आपको H प्लस आयन रिलीज करेगा और ये H प्लस आयन वाटर को कंडक्टिव बना देगा। इसीलिए अगर इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो ये H प्लस आयन रिलीज करेगा वाटर के अंदर में और ये H प्लस आयन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टिव बना देगा और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। सेम चीज है अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं H2SO4, ये भी क्या करेगा टू हाइड्रोजन एटम आयन फॉर्म करेगा और ये हाइड्रोजन आयन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ पास करा देगा और बल्ब फिर भी ग्लो करेगा। अब बात करते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज को लेते हैं यहाँ पे, ये जो बीकर है इसके अंदर में हम ग्लूकोज को लिए, ग्लूकोज को डाल दिए और ये सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो आपका नहीं किया। आखिर क्यों बल्ब ग्लो नहीं किया, आखिर ग्लूकोज तो भाई है उसके पास हाइड्रोजन आइटम है, क्यों नहीं ग्लो किया। इसीलिए ग्लो नहीं किया कि आप जानते हैं सिर्फ एसीडी ऐसा एसीडी के पास वो प्रॉपर्टी होता है कि वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर के एच प्लस आयन रिलीज करेगा और वो एच प्लस आयन वाटर को कंडक्टिव बना देगा। लेकिन यहाँ पे हम जब ग्लूकोज डालते हैं तो ग्लूकोज तो एसिड है नहीं, तो ग्लूकोज जो होता है कोई भी एच प्लस आयन रिलीज अपना नहीं करेगा, या फिर अल्कोहल जो हम डाले हैं वो अल्कोहल भी H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा वाटर के अंदर में, अगर वो H प्लस आयन रिलीज करता तो एसिड होता, तो वो तो एसिड है नहीं तो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ आपको जो होता है करंट पास नहीं कर पाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं करने का मतलब ये है कि ग्लूकोज या फिर अल्कोहल इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज नहीं कर पाया, अगर वो H प्लस आयन रिलीज करता तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता। इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि ग्लूकोज और अगर हम अल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो वाटर में अंदर में H प्लस आयन रिलीज वो नहीं करता है, ठीक है। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में अगर डिजॉल्व करने पे H प्लस आयन रिलीज करता है वाटर के अंदर में तो वो एसिड कहलाता है, लेकिन ये नहीं कर रहा आपको रिलीज इसलिए वो एसिड नहीं कहलाएगा। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि कोई भी जो कंपाउंड वो हाइड्रोजन आइटम कॉन्टेन करता है वो जरूरी नहीं है कि एसिड होता है, ठीक है। तो अब वीडियो बहुत लंबा बन गया है तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अब आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके बाय ऑल ऑफ यू।